रोजगार को काटते हैं, हिंदुओं के रोजगार के ऊपर जो है कुंडली। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया 1950-60 जैसे बोले 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा, मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया, विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मतलब 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ जाता है उनका, शर्म की बात। इसके अतिरिक्त 2000 में सर पढ़ के भी बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान्स को मांगा गया सर, और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्रॉइंग भी मांगी गई। और हैरानी की बात तो यह है सर, ये वेरी इट इज इम्पोर्टेंट के प्रतिनिधि द्वारा, क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात, 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर, 2010 में जब केस चल रहा था, तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6,357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। कैबिनेट सिचुएशन के ऊपर एक मीटिंग भी हुई जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स थे एंड हम उसको लोकलाइज्ड डिस्प्यूट ही समझ रहे हैं और तैयारियां उसी हिसाब से इंटेलिजेंस भी गैदर किया है, तैयारियां हैं एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल कमिश्नर और एसपी शिमला विथ हेल्प फ्रॉम ऑल सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स इसको डिफ्यूज कर रहे हैं एंड होपफुली नो अनटूवर्ड इंसिडेंट विल हैपन। Yeah, 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 yeah.